गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट का हम एक को लैंडमार्क केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट का एक आधारशिला, एक फाउंडेशन स्टोन है, एक कॉर्नर स्टोन है, जो काफ़ी कुछ क्लियर करेगा आपके फंडामेंटल को, आपके फैक्ट्स को, जिसमें आपका रिटर्न प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होगा और आपको साक्ष्य अधिनियम के बारे में गहराई से आपकी कमांड होगी। तो देखिए, आज के केस का नाम है पकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर। पकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक शानदार लैंडमार्क डिसीजन है, जो काफ़ी कुछ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के काफ़ी कुछ सेक्शन पर अपना प्रकाश डालता है, उन्हें एलिब्रेट करता है, उन्हें एस्पेक्ट करता है। कहानी के फैक्ट सुनिए। यहाँ पर जो आपका एक्यूज्ड है वो है पकला नारायण स्वामी, और यहाँ पर जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम है, वो है आपका कुंडिनकर राजू। इन दोनों का संबंध क्या है? पकला नारायण स्वामी इसका जमाई होता है, इसकी बेटी से इसने शादी की थी, इसका जमाई होता है, और ये पकला नारायण स्वामी बहरामपुर में रहता है। दोनों के बीच कहानी क्या पैदा होती है कि जो ये इसका जो इसका ससुर होता है, इसने इसको 3,000 रुपये 1930 में 18% के हिसाब से ब्याज पर दिए थे। यहाँ पर जो डिस्प्यूट है, जो यहाँ पर विक्टिम था, उसने अक्यूज्ड को या उसकी पत्नी को या दोनों को 3,000 रुपीज 18% के हिसाब पर 1930 में दिए थे। यहाँ पर दोनों के बीच डिस्प्यूट पैदा होता है पैसा लेने के लिए। यहाँ पर विक्टिम अक्यूज से या उसकी पत्नी से जो है पैसा लेना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसने उधार पर दिए थे, लेकिन पकला नारायण स्वामी उससे वो पैसा नहीं देना है। काफ़ी डिस्प्यूट चलती है, काफ़ी जो है लेन देन के बारे में डिस्प्यूट पैदा होता है, और डिस्प्यूट काफ़ी हद तक पहुंच जाता है। तब पकला नारायण स्वामी के दिमाग में इसको रास्ते से हटाने के लिए मोटिव पैदा होता है। एक दिमाग में पैसा नहीं देने का जो मोटिव था, वो हत्या में कन्वर्ट हो जाता है, कि ये सोचता है कि इसका मर्डर कर दिया जाएगा तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर एक लेटर आता है विक्टिम के पास, उसमें लिखा रहता है कि आपको यदि अपना पैसा लेना है तो आप बहरामपुर आ जाइए। वो बहरामपुर के लिए रवाना हो जाता है 20 मार्च को, लेकिन बहरामपुर रवाना होने से पहले वो अपनी पत्नी को सारी कहानी बताता है। वो लेटर दिखाता है जहाँ पर उसको आमंत्रित किया गया था कि आपको बहरामपुर आना है। लेटर में किसी के सिग्नेचर नहीं होते, लेटर जो होता है वो सिग्नेचर लेस होता है। उस लेटर पर ट्रस्ट करके विक्टिम बहरामपुर के लिए रवाना हो जाता है, इस उम्मीद में कि वो जो है अपना पैसा लेकर वापस आएगा। वो 21 मार्च को वापस नहीं आता, 22 मार्च को वापस नहीं आता। उसकी पत्नी को चिंता होती है और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है पुलिस स्टेशन में। मामले की इन्वेस्टिगेशन होती है, तभी 23 मार्च को एक रेलवे के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में एक संदूक मिलता है। उस संदूक में 60 टुकड़ों में एक लाश मिलती है, खून से सनी हुई 60 टुकड़ों में लाश मिलती है एक संदूक में, रेलवे कंपार्टमेंट के थर्ड क्लास डिब्बे में। कहानी शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। उसकी पत्नी को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तब पता चलता है कि ये जो लाश है उसके पति की है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पकला नारायण स्वामी यहाँ पर, जिसे कहते हैं कि शक के दायरे में आ जाता है, उसको शक के दायरे में रखा जाता है, क्योंकि वही उसके पास आखिर में गया था, वही उसके पास आखिर में गया था, उसको शक के दायरे में ले लिया जाता है। और होता क्या है, उसे अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि आखिरी बार पकला नारायण स्वामी ही उससे मिला था या वो उसके घर पे गया था। अब कहानी को समझिए, यहाँ पर कहानी क्या है? कहानी है कि 23 मार्च को एक कॉप्स एक ट्रंक में मिलती है, पुलिस हैड फाउंड ए कॉप्स इन ए स्टील ट्रंक। यहाँ पर जो कहानी होती है कि यहाँ पर इसको मर्डर करने का जो मोटिव था वो किसके पास था? मर्डर करने का जो मोटिव था वो पकला नारायण स्वामी या उसकी पत्नी या उनके पास था, क्योंकि यदि उसका मर्डर कर देते तो वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये उसका मोटिव था। उसकी प्रिपरेशन या प्रीवियस कंडक्ट क्या था? वो एक संदूक खरीदना था, ये स्टील का कंडक्ट, वो संदूक खरीदता है रखने के लिए, उसका प्रीवियस कंडक्ट या जिसे कहते हैं प्रिपरेशन थी। उस ट्रंक को वो लाश रखकर उस ट्रंक में वो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में ले जाता है, वहाँ उसको रख देता है, ये उसका सबसिक्वेंट कंडक्ट था। यदि हम एविडेंस के लैंग्वेज में इन वर्ड्स को डिस्कस करें, क्योंकि उसे पता था अच्छे से पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर लीगल दो क्वेश्चन पैदा होते हैं, कन्फेशन और आपका डाइंग डिक्लेरेशन।
यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा होता है प्रिवी काउंसिल के सामने, जब नीचे से केस ट्रायल में चलता है, पाखला नारायण स्वामी को जो है सजा दे दी जाती है, उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है, मामला पहुंचते पहुंचते एक्विटल के लिए प्रीवी काउंसिल में पहुंचता है। प्रीवी काउंसिल में जब मामला पहुंचता है तो वो यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, दो लीगल शानदार क्वेश्चन अराइज होते हैं आपके एविडेंस के। पहला है कन्फेशन। पाखला नारायण स्वामी से जब पूछा जाता है कि क्या विक्टिम आपके घर पर आया था, वो कहता है मेरे घर पर आया था, सिर्फ इतना कहता है मेरे घर पर आया था, सिर्फ ये कन्फेशन जो उसने पुलिस के सामने दिया गया वो क्या कन्फेशन की श्रेणी में आएगा, क्या वो कन्फेशन की श्रेणी में माना जाएगा, क्या उसका ये कह देना मात्र पर्याप्त है सजा देने के लिए कि वो मेरे घर पर आया था। कन्फेशन का मतलब डायरेक्टली अपराध के बारे में, कोई अपराधी खुलकर कुछ स्वीकार करता है वो भी पुलिस के सामने नहीं, तभी वो कन्फेशन की श्रेणी में माना जाएगा। ये बात का एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि वो अपराध को डायरेक्ट इस बात में लेकर जाए कि हाँ वो मेरे घर पर आया था या उसके बाद क्या हुआ था, यानी अपराध को करने की कैटेगरी में यदि कोई मामला आता है तो वो आपका जिसे कहते हैं इस श्रेणी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। कहानी आगे बढ़ती है, क्या उसकी पत्नी को दिया गया स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आएगा या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उसकी पत्नी को दिया गया डाइंग डिक्लेरेशन की श्रेणी में आएगा, सेक्शन 32 में कवर होगा या नहीं। कहानी फिर टर्न लेती है क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन में उस आदमी को बिल्कुल भविष्य में मृत्यु की संभावना नहीं थी, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं आएगा, मृत्यु के समय नहीं कहा, मृत्यु की जगह पर नहीं कहा, तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल दैट दिस इज इन द डाइंग डिक्लेरेशन। मगर प्रिवी काउंसिल ने कहा कि यहाँ पर सरकमस्टेंस ऐसे हो गए थे कि वो जो लेटर दिखाया उसके जो कहानी समझाई गई वो डाइंग डिक्लेरेशन की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि उसको लेटर दिखाना या सरकमस्टांस ऐसे हो गए थे मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, तो इस आधार पर डाइंग डिक्लेरेशन माना गया, इस आधार पर आपका ये माना गया कि दिस इज इंक्लूडेड इन द डाइंग डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर प्रिवी काउंसिल ने उसकी पत्नी का विक्टिम के द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया बयान डाइंग डिक्लेरेशन की श्रेणी में माना जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये शानदार लैंडमार्क डिसीजन आपके सामने है, जो कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन की एक अलग कहानी कहता है, एक अलग फिजा कहता है, एक अलग समा मानता है, जिसमें ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि जरूरी नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन यहाँ पर मृत्यु के समय या मृत्यु के स्पॉट पर जस्ट बिफोर कहा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो उसकी मृत्यु थी ना ही मृत्यु की जगह पर उसने कहा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसका मृत्यु हो गई और जो एक्यूज का मोटिव था वो पैसा नहीं देना था, प्रिपरेशन था स्टील का संदूक खरीदना, इफेक्ट था उसके खून से सने हुए कपड़े प्रीवियस कंडक्ट था संदूक खरीदना, सब्सिक्वेंट कंडक्ट था लाश को ट्रंक में रखकर बाद में उसको लगाना वहां पर उसको कर देना, अकेजन क्या था, अकेजन उसने खुद ने बनाया था, लेटर भेजकर उसने एक अकेजन क्रिएट किया था मर्डर के लिए, ये अकेजन था, उसने लेटर भेजा और अकेजन क्रिएट कर दिया कि यहाँ पर आपको आना है, आने से ही वो मर्डर हुआ, यदि वो अकेजन ही क्रिएट नहीं होता तो मर्डर होने की कोई संभावना ही नहीं थी। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं कि नए आपके केस के साथ। यदि आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारे कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे मोटिवेशन को, हमारे कंटेंट को एक नई दिशा, नया डायरेक्शन देने के लिए आप हमारी हौसला अफजाई करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।